हेलो फ्रेंड्स, रतलाम जायके में आपका वेलकम है। आज हम बनाएंगे मिर्ची वड़ा। मिर्ची वड़ा बनाने के लिए बहुत तरह की स्टफिंग बनाई जाती है, तो आज हम आलू का मसाला डालकर मिर्ची वड़ा बनाएंगे। मिर्ची वड़ा हम बना तो लेते हैं, पर कभी मिर्ची अंदर से कच्ची रह जाती है या फिर बहुत ऑयली हो जाती है, एकदम परफेक्ट नहीं बनती है। तो आज मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी और आपका मिर्ची वड़ा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा और बहुत जल्दी भी। सबसे पहले स्टफिंग बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने एक बड़ा चम्मच तेल लिया है। जैसे ही तेल गर्म होगा इसमें आधा चम्मच राई डालेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और उबले हुए आलू डालेंगे। ये 6 मीडियम साइज के आलू हैं। अब हम इसमें सभी मसाले डालेंगे, तो 2 चम्मच इसमें लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच हींग। मसाला खट्टा मीठा बनाएंगे तो उसके लिए 2 बड़े चम्मच शक्कर डालेंगे, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। वन फोर्थ चम्मच टाटरी डालेंगे, इसे नींबू का सद भी कहा जाता है। अगर आपके पास नींबू है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे और आलू थोड़े से बड़े लग रहे हैं तो हम इसे इस तरह से मैश करेंगे। आप इसे पहले से ही मैश करके नहीं डालें, क्योंकि आप जब फ्राई करेंगे तो मसाला अच्छे से मिक्स नहीं होगा। मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है, हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। एक बाउल में 2.5 कप बेसन लेंगे, 1/2 चम्मच नमक डालेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच तेल डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। बेसन तैयार हो गया है, इसमें मुझे 1.5 कप पानी लगा था, तो अब हम इसे प्लेट से ढककर साइड में रख देंगे। मिर्ची बड़े बनाने के लिए ये मैंने 8 मिर्ची ली है, ये थोड़ी बड़े साइज की है, आप इसमें कोई सी भी मिर्ची यूज़ कर सकते हैं। पानी में सभी मिर्ची डाल देंगे। बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि जब हम मिर्ची बड़े बनाते हैं तो अंदर मिर्ची थोड़ी सी कड़क रह जाती है, तो मैं उसी का सीक्रेट तरीका बता रही हूँ। पानी को हम उबलने के लिए रख देंगे। मिर्ची को हम इसलिए उबाल रहे हैं ताकि मिर्ची बड़े जब हम बनाएं तो अंदर से मिर्ची कच्ची नहीं रहे और मिर्ची बड़े भी जल्दी से फ्राई हो जाए। पानी में उबाल आ गया है, आप बीच बीच में इसे इस तरह से हिलाते रहें, ऊपर नीचे मिर्ची को करते रहें। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। मिर्ची बहुत अच्छे से पक चुकी है, देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, देखिए ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है, कड़क रखना है हमें पर बहुत ज़्यादा इसे नहीं पकाना है। देखिए ये कड़क है लेकिन सॉफ्ट भी है। सभी मिर्ची को पानी में से निकाल लेंगे ताकि ये ओवरकुक नहीं हो। सभी मिर्ची को हम इस तरह से बीच में से कट करेंगे। आप चाहें तो मिर्ची के बीज निकाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं निकाल रही हूँ। इसी तरह से हम सभी मिर्ची में कट लगा लेंगे। सभी मिर्ची में मैंने कट लगा लिया है, अब आप इसमें मसाला भरेंगे। तो देखिए आप इस तरह से मसाले को मिर्ची में अच्छे से दबा कर आप भरें।
आपको मसाला ऐसा भरना है कि मिर्ची का शेप चेंज ना हो। ये मैंने सभी मिर्चियों में स्टफिंग भर के तैयार कर ली है। अब हम चलते हैं बेसन की तरफ। तो देखिए, बेसन आपको इतना गाढ़ा रखना है, बहुत ज़्यादा आपको पतला नहीं करना है। बेसन इतना गाढ़ा होना चाहिए कि मिर्ची में उसकी आसानी से कोटिंग हो जाए। अब हम मिर्ची बड़ा ऑयली ना हो उसके लिए 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे। बेकिंग पाउडर से आपके भजिए ऑयली नहीं होंगे, लेकिन अगर आप इसमें बेकिंग सोडा मतलब मीठा सोडा डालेंगे तो उससे आपके भजिए ज़रूर ऑयली होंगे। बेकिंग पाउडर को आप 2 मिनट तक इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लें। बेसन भी तैयार हो गया है। अब हम मिर्ची बड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने तेल अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम इसमें मिर्ची डिप करेंगे बेसन में अच्छे से कोटिंग करना है आपको बेसन की इसमें। और अब हम इसे गर्म तेल में डाल देते हैं। एक मिर्ची इसमें और डाल देते हैं और हम इसे अब गुलाबी होने तक फ्राई कर लेंगे। आपको इसे बहुत ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना है क्योंकि हमारी मिर्ची ऑलरेडी पकी हुई है, तो हमें इसे बस गुलाबी होने तक ही फ्राई करना है। मिर्ची बड़े लाइट गुलाबी हो गए हैं, हम इसे निकाल लेंगे। और देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है, आप देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं है। मैं आपको एक मिर्ची कट करके दिखाती हूँ। देखिए मिर्ची बिल्कुल भी कड़क नहीं है, एकदम सॉफ्ट है और हाथ में बिल्कुल भी ऑयल नहीं आ रहा है। आप मिर्ची बड़े को चाट मसाला, नींबू और हरी चटनी के साथ सर्व करें।